मैं योगाचार्य प्रदीप थपलियाल, हम बात करेंगे मोटापे पे। मोटापे के कारण अनेक प्रकार के रोग हो जाते हैं और हम जो फैटिया और तेलिया भोजन खाते हैं, जंक फूड खाते हैं, इस कारण हमको मोटापा हो सकता है। आज आपको 12 जॉगिंग के अभ्यास बताएंगे। अगर आप उसे नियमित 21 दिन तक करेंगे तो आपका वेट अवश्य लॉस होगा। उसके साथ साथ आपको आहार का भी ध्यान रखना होगा, दिनचर्या का ध्यान रखना होगा। तो हम चलते हैं अपने 12 अभ्यासों की ओर। 12 अभ्यासों से पहले मैं महर्षि पतंजलि द्वारा आसन की परिभाषा आपको बताना चाहता हूँ। उस परिभाषा से आपको पता चल जाएगा किस व्यक्ति को ये करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। कैपेसिटी के अनुसार, हमारी जो कैपेसिटी है उस क्षमता के अनुसार हमको योगा अभ्यास करना चाहिए। तो महर्षि पतंजलि ने आसन की परिभाषा दी है, स्थिर सुखम आसनम, स्थिर पूर्वक सुख पूर्वक जिसको हम कर सके वो ही हमारे लिए आसन है। ऐसे नहीं दूसरा कर रहा तो मैं वैसे ही करूँ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम जिस प्रकार से, जैसे किसी को उच्च रक्तचाप है तो वो तेज़ी के साथ आसनों को न करें, आराम से करें, अपनी क्षमता के अनुसार करें। अगर उसको अस्थमा है तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, अगर उसको हर्निया है तो अपनी क्षमता के अनुसार करें, और भी बहुत सारे रोग हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार वो आसन को करें। और बीच बीच में विश्राम भी करना चाहिए। तो हम जो सामान्य व्यक्ति हैं तो वो अपने अभ्यास को तेज़ी के साथ कर सकते हैं, इसको कोई रोग नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम चलते हैं अपनी योगिंग जॉगिंग की ओर। नंबर एक अभ्यास ये है आपका, आराम से श्वास पर श्वास पर ध्यान देने से आपको दूसरा अभ्यास सीधे ऊपर आपको, तीसरा कमर पर हाथ रहेगा आपका, श्वास को भरेंगे, श्वास को बाहर, श्वास पर श्वास पर ध्यान, पैरों के बीच में गैप और सीधे और फास्ट भी कर सकते हैं, फिर करेंगे अगला अभ्यास। थोड़ा पैरों के बीच में गैप, हाथ सीधे लॉक भी कर सकते हैं आप, ऐसे फिंगरों को लॉक करके, नहीं तो ऐसे कर लीजिए, आराम से ऐसे रख लीजिए हाथ, पैरों के बैठ के लिए सबसे अच्छा, पैरों के बैठ के लिए पैर सीधा, पैर को सीधा करने का अभ्यास अब करेंगे। अगला अभ्यास ये हाथ को सीधा छाती के पक्षी विकास क्रिया करते हैं, फिर करेंगे पैरों की जगह, अगला प्यास, अगला प्यास कर दिया यार, अगला प्यास करने के लिए हंसते उठाने आसन, अगला करेंगे फिर बाहर नीचे बाहर नीचे फिर बाहर नीचे, अगले में ताली, श्वास पर श्वास पर ध्यान, अब कहेंगे योग नृत्य, हाथ को दोनों आगे, हाथ ये पुनः एक बार दोहरा सकते हैं, दूसरा दूसरा अभ्यास, तीसरा
जी के साथ ओम ओम ओम।